विद्यासागर महाविद्यालय खातेगांव के संचालक आलोक जैन ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में घोषित अग्निवीर योजना युवाओं को बहुत ही लुभा रही है। महाविद्यालय द्वारा भी 17 से 19 वर्ष की उम्र के छात्रों को इस योजना के अनेक लाभ बताए जा रहे हैं। महाविद्यालय के डायरेक्टर जैन ने बताया कि उनके द्वारा छात्रों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। अग्निवीर योजना के दौरान एवं इस योजना के बाद अपने संपूर्ण जीवन में एक अनुशासित सिपाही की तरह काम करते हुए देश सेवा और समाज सेवा का अवसर प्राप्त होगा। जबकि अधिकांश छात्र 25-30 साल की उम्र तक शासकीय नौकरी इत्यादि के लिए भटकते फिरते हैं, वहीं अग्निवीर योजना में 21 साल की उम्र में ही उन्हें शासकीय सेवाओं का और साथ में रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ प्राप्त होगा। इस अनुभव को ये छात्र कॉरपोरेट सेक्टर, अन्य शासकीय सेवाएं या फिर स्वयं के व्यवसाय में उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के सही लाभ की जानकारी छात्रों तक पहुंचे, इसके लिए महाविद्यालय द्वारा एक काउंसलिंग सेल भी बनाई गई है, जहां पर युवा छात्रों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाविद्यालय द्वारा यह घोषणा की है कि जो भी छात्र योजना में भाग लेकर चयनित होगा उसे 11,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा एवं अग्निवीर योजना पूर्ण करने के बाद महाविद्यालय में निःशुल्क अध्यापन करवाया जाएगा। दोस्तों, ये है हमारे कॉलेज का एक होनहार स्टूडेंट आदित्य राज सिंह तोमर, और ये भी पास के पिपलिया नंगर गांव का निवासी है। और आज इसने बताया कि ये अग्निवीर योजना के लिए अपना ये रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है। तो ऐसे बच्चों पर, ऐसे बालकों पर, ऐसे नवियों पर विद्यासागर कॉलेज बहुत फख्र है, और मैं इसको पूरी शुभकामना देता हूँ और इसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस योजना में तुम जरूर भाग लो, और महाविद्यालय की ओर से जो भी सपोर्ट और जो भी तुमको आवश्यकता की जरूरत होगी उससे मैं जरूर पूरा करूँगा। और मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, देश के लिए आज अपने आप को ये समर्पित करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना में अपना फॉर्म भरेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जरूर चयन होगा और ये भी देश सेवा में अपना भरेगा। विद्यासागर कॉलेज खातेगांव का हमारा छात्र आदित्य सिंह तोमर। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।